hello everyone welcome back to my channel so in this video we are starting a new unit that is autonomic pharmacology and the drug which are acting on autonomic nervous system so uh, in this particular video we will be talking about introduction of autonomic nervous system so we all know that nervous system it has been divided into cns and pns what is cns central nervous system and pns is peripheral nervous system right एंड peripheral nervous system is further divided into autonomic nervous system and एंड nervous system और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर डिवाइड हुआ हैनाटमिकली हमने उसको डिवाइड किया हुआ है दैट इज सिम सिंपथैटिक सिस्टम सिंपेटिक चेन एंड पैरासिम्पथैटिक चेन ओके सो लेट इज डिस्कस अबाउट द कनेक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो हमारे पास न्यूक्लिया हैं उनसे एफरेंट्स आए सो so, ये क्या होते हैं मोस्टली विसरल नर्व्स होते हैं दे वो क्या होते, है? होते हैं मिक्सड नर्व होती हैं एंड दे कैरी नॉन माइलिनेटेड विसरल एफरेंट फाइबर्स ओके एंड द सेल बॉडीज विच आर लोकेटेड इन डोरसल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल नर्व एंड द सेंसरी गेंगलिया ऑफ क्रेनियल नर्व उधर से उनकी सेल बॉडीज आर प्रेजेंट एंड वट डज दे डू ऑटोनोमिक एफरेंट्स का काम क्या होता है दे मीडिएट विसरल पेन एज वेल एज कार्डियोवस्कुलर रेस्पिरेटरी एंड अदर विसरल रिफ्लेक्सेस ओके अभी फिर उनके बीच में जो एफरेंट हैं एफरेंट को कनेक्ट करने के लिए इफरेंट और एफरेंट को कनेक्ट करने के लिए वी नीड सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस उसमें ऐसा कोई एक एक्सक्लूसिव ऑटोनॉमिक एरिया नहीं होता सी एन एस में जो इनको कनेक्ट करता है सो देयर इज अ कंसिडरेबल इंटरमिक्सिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक इंटरवेशन ओके जो हाइएस्ट अगर यूनिट है दैट इज़ रेगुलेटिंग ऑटोनॉमिक फंक्शन वो क्या है हाइपोथैलेमस ठीक है उसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाईज होते हैं तो न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या क्या है जो पोस्टीरियर और जो लेटरल न्यूक्लियाई होते हैं वो प्राइमरली सिंपथैटिक होते हैं और जो एंटीरियर और जो मीडियल न्यूक्लियाई होते हैं वो प्राइमरली पैरासिम्पेटिक होते हैं ओके सो भी ऑटोनॉमिक एफरेंट जो मोटर क्लेम ऑफ ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने पहले बात करी थी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको अनेटमिकली डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैटिक चेन में ओके okay? सो so, इसमें क्या है जो ज्यादातर ब्लड वेसल्स हैं स्प्लीन स्वेट ग्लैंड हेयर फोलिकल उनमें सिंपेथैटिक ही होता है और सीलियरी मसल ब्रोंकियल स्मूथ मसल गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड टिश्यू उसमें मोस्टली पैरासिम्पथैटिक होता है जो ज्यादातर ऑर्गन होते हैं उसमें सिंपेथैटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथैटिक इनर्वेशन जाता है और दोनों एंटागोनिस्ट होते एक दूसरे के ठीक है सो लेट इज डिस्कस अबाउट सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पेथैटिक सो वी हैव स्टडीड की जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको पैरासिम्पेराटिक एंड सिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम में अनैटोमिकली डिवाइडेड है ओके okay? तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो कहाँ से अराइज़ होता है वो अराइज़ होता है थोड़े को लंबा रीजन से टी वन टू एल टू ये वाला से ये वाला रीज़न ओके okay? टी वन टू एल टू ओके okay? एंड जो हमारा पैरासिम्पेराटिक होता है वो दो सेपरेट रीजन से अराइज़ होता है इन सी एन एस जो क्रेनियल आउटफ्लो है क्रेनियल आउटफ्लो होता है वो कौन कौन से न्यूक्लियस से होता है थर्ड फोर्थ थर्ड सेवेंथ नाइंथ एंड टेंथ ओके और जो सेक्रल uh, आउटफ्लो होता है वो किससे होता है एस टू टू एस फोर ओके सो इसमें uh, जो सिम्पथैटिक होते हैं इसमें एक चीज देखने के लिए क्या होते हैं जितने भी हमारे ऑटोनॉमिक एफरेंट्स होते हैं वो निकोटिनिक होते हैं ओके एंड जो uh, इसमें अगर हम देखें तो पहले एक प्री गेंग्लियोनिक फाइबर आया जैसे इसमें प्री गेंग्लियोनिक फाइबर आया उसने गेंग्लियन में अपना रिले किया एक न्यूरो रिलीज़ हुआ इसमें एसिटेलकुलन है ठीक है हमने एग्जाम्पल लिया प्यूपिल का ओके तो जो पैरासिम्पेथैटिक है उसमें एसिटेलकुलन रिलीज हुआ एट द सिनिप्स ओके तो जो आ, अभी प्री गेंग्लियोनिक फाइबर था वो आया और उसने फिर आ, साइनस पे ए रिलीज़ किया एसटेलकुलन और फिर पोस्ट गेंग्लियोनिक फाइबर आए और उन्होंने पिपल तक अपनी एफरेंस ले गई ठीक है तो ज़्यादातर हमारा जो अभी इसमें अगर हम देखें और दु, तो जो दूसरा हमारा सिंपथैटिक है उसमें जो एक प्री गेंग्लियोनिक फाइबर आया ठीक है प्री गेंग्लियोनिक आए उन्होंने ए रिलीज़ किया सही है पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर आए ब्लड वेसल्स वगैरह तक लेके जहाँ पर ये होते हैं ठीक है हमने पढ़ा था तो इसमें अगर हम देखें तो एक इस डायग्राम के थ्रू अगर हम बात करें तो जो गेंग्लियाज़ हैं वो अभी अगर हम देखें तो ज़्यादा पास कौन है ऑर्गन के ऑर्गन के ज़्यादा पास कौन से हैं

और पैरासिम्पैथैटिक पे, होते हैं उनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो निकोटिनिक होते हैं सबके ठीक है एन एन न्यूरोनल है क्योंकि हम न्यूरोनल की बात कर रहे हैं उसका दूसरा क्या है जो जैसे पैरासिम्पैथैटिक है उसमें हमारे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो एन एन होते हैं मतलब निकोटिनिक न्यूरोनल आगे हम पढ़ेंगे उनका रिविजन लेकिन जो सिंपैथेटिक होते हैं उसमें अल्फ़ा और बीटा भी हो सकते हैं इन ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा लेकिन कुछ में हमारे पास नॉन एडरलिन होता है ठीक है उस जैसे ए सी एच किस में स्वेट ग्लैंड और एड्रलिन में प्रेजेंट हो गया डोपामिन किस में होता है रिनल ब्लड वेसल्स में किसी में नॉन एड्रलिन होता है सो वी हैव टू रिमेंबर दैट ओके सो इन दिस इमेज ऑल्सो वी हैव स्टडीड वट वी हैव स्टडी सीन इन द लास्ट इमेज कि मोटर uh, न्यूरोन आया सी एन एस में है एक सिंगल न्यूरोन था उस uh, जो हमारा साइनस था उसमें उसने अपना न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया ठीक है एक्शन प्रोड्यूस करवा दिया उसके बाद है हमारे पास जैसे पैरासिम्पेथाटिक था पैरासिम्पेथाटिक में प्री गेंग्लियोनिक लंबे होते हैं ठीक है प्री गेंग्लियोनिक फाइबर और ये छोटे होते हैं और इनके ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए ठीक है उसके बाद सिंपेथाटिक में एसिटेलकोन है एडनर्जिक मेजर किस में है जैसे नॉन एडलिन रिलीज हो गया अल्फा एंड बीटा में दूसरा एसिटाइल्कोलिन हमारा प्री गेंग्लियोनिक में अगर हम बात करें प्री गेंगल्योनिक फाइबर में सब में एसिटाइल्कोलिन होता है ठीक है लेकिन अगर पोस्ट गेंगलियोनिक की बात करें तो जिसमें जैसे हमारे पास एसटाइलकोलिन है और जैसे अल्फा और बीटा जब आ, रिसेप्टर्स होते हैं उसमें, है। है उसमें हमारे पास नॉन एडिन होता है जब मस्कर रिसेप्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास एसिटिलकोलिन होता है राइट वेन वी हैव एक्टेड अपॉन एडोन मेडुला तो उसमें भी एनी रिली एनी रिलीज होता है ठीक है नॉन एडोलिन ओके सो लेट इस डिस्कस अबाउट ह्यूमरल ट्रांसमिशन uh, जिसमें न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन में uh, ये इम्प्लाई क्या करता है कि जो नर्व्स हैं उन्होंने अपना मैसेज सैनिप्स पहले बनाए उसके अक्रोस और फिर जो नर्व uh, और इफेक्टर और सेल uh, के बीच में जो जंक्शन बना था इफेक्टर जंक्शन उन सब में इन्होंने हिमोरल रिलीज हिमोरल मतलब केमिकल मैसेंजर रिलीज़ किए जिनको uh, हम न्यूरो बोलते हैं राइट right? तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो uh, पोस्ट जंक्शनल एक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर क्राइटेरिया हमें पता है ना एक साइनैस क्या होता है एक पेरीफ्रल प्री साइनेप्टिक मेमरीन होती है एक्जोन होता है एक पोस्ट साइनेप्टिक हो गया दैट इज तो आ, अगर प्री साइनेप्टिक मेमरीन से जो रिलीज़ होंगे इस वेसिकल से जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा आ, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेमरीन पे एक्ट करेगा ठीक है तो ये वाला जो पोस्ट जंक्शनल मेमरीन पे एक्ट करते हैं न्यूरो वो उनको किस बेसिस पे हम करेक्टराइज uh, करते हैं वो क्या है कि जो पोस्ट जंक्शनली एक्टिंग न्यूरो होते हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरोन में प्रेजेंट होने चाहिए इन द वेसिकल एंड दे कैन बी रिलीज इन द मीडियम दैट इज़ फॉलोइंग द नाव दो नाव के डायरेक्शन में एंड ऑल्सो एप्लीकेशन अगर उनके एप्लीकेशन होता है तो अगर क्योंकि एक नव अपना सिग्नल लेके आ रही है फिर एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है तो न्यूरो तो जो वो जो आ, नर्वस सिग्नल आ रहा है वो सेम नर्वस सिग्नल प्रोड्यूस होना चाहिए बाय द एक्शन ऑफ दिस न्यूरो राइट सो लेट लेटेज डिस्कस अबाउट द स्टेप इन न्यूरोमल ट्रांसमिशन पहला क्या है इम्पल्स कंडक्शन का सो वी ऑल नो कि रेस्टिंग मेमरी जो पोटेंशियल होता है वो क्यों होता है हमारे जो नर्व्स होते हैं नर्व सेल्स में बिकॉज ऑफ हाई पोटासियम परमिबिलिटी राइट और जो एन ए की पमेबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी लो तो जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो उसकी वजह से जो सोडियम की कंडक्शन कंडक्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है ठीक है उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होता है और डीपोलराइजेशन हो जाता है लगभग बीस uh, मिली वोल्ट आ जाता है ठीक है रिवर्स पोलराइजेशन इज देअ और पोटेशियम चैनल्स हैं वो कंसंट्रेशन रेडियंट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं एंड दर यी पोलराइजेशन इज़ अचीव तो फिर जो ये आयोनिक डिस्टरबेंस हुआ है दैट इज़ बीन नॉर्मलाइज्ड किसकी हेल्प से सोडियम पोटाशियम पम्प तक तब तक जो ये हमारा आयोनिक uh, डिस्टर्बेंस हो चुका है ये जो नेक्स्ट एक्साइटेबल पार्ट है हमारी मेमरिन का जैसे ये यह है यहाँ पे हमने सोडियम पोटेशियम का इंटर एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियम यहाँ पे जनरेट हुआ तो एक अगला जो एक्साइटेबल स्टेट है तब तक तो यहाँ तक सर्कुलेट हो जाएगा और यहाँ पे एक रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर सोडियम पोटाशियम पम्प एक्ट करेगा और वो रिस्टोर कर देगा आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन को राइट right? तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसमीटर रिलीज की बात करें ट्रांसमीटर uh, रिलीज की जो ट्रांसमीटर है या तो इनिबेट्री होगा या एक्साइटेटरी होगा ठीक है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है दिस इज़ अ वेसिकल ओके वेसिकल्स में स्टोर होता है इन प्री साइनेप्टिक मेमरीन दिस आर प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स ओके तो अभी एक्शन पोटेंशियल आया उसने साइनेटिक उसने यहाँ पे पोलराइजेशन uh, हुआ डिपोलराइजेशन हो गया मेमरीन का uh, उसमें जो कैल्शियम चैनल्स थे वो खुल गए कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से उसने एक्ट किया किस पे आ, जो ये वेसिकल थी जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर था वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जैसे अगर हम बांध के चले गेंगलिया की अगर हम बात करें तो गेंगलिया में हमारा कौन सा रिलीज होता है एसेटेलकोलिन ठीक है तो उसके बाद दे आर रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन वट पोस्ट साइनेटिक जो मेमरीन है जैसे हमने अगर इसको गेंगलिया मान लिया गेंगलिया की जो पोस्ट साइनेटिक मेमरीन है उस उसपे रिसेप्टर्स हैं उस पर कौन से रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक न्यूरोनल सब टाइप्स होते हैं एन एन टाइप के ठीक है निकोटिनिक रिसेप्टर्स uh, होते हैं है? रिसेप्टर है, उनके दो टाइप होते हैं एन एम और एन एन ठीक है तो इसमें एन एन दैट इज निकोटिनिक न्यूरोनल सब टाइप प्रेजेंट होता है ठीक है और ये सोडियम लिंक्ड होते हैं ठीक है तो अगर ये जब इनपे हमारा जब बाइंड करेगा तो सोडियम चैनल्स ओपन इन दिस पोस्ट मेम्ब्रेन जिसकी वजह से सोडियम का इंफ्लक्स होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और जो ये अबाउट द इंपल्स कंडक्शन ट्रांसमीटर रिलीज एंड द एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर ऑन पोस्ट जंक्शनल उसके बाद एक्टिविटी क्या होगी उसके अगर जब जंक्शन पे उसने अपना एक्शन दिखा दिया तो एक एक एक्साइटेट्री अगर हमारा सिग्नल हमारा पोसाइन पोटेंशियल बना था वो एक प्रोपेगेटेड पोस्ट जंक्शनल एक्शन पोटेंशियल उसने जनरेट करवा दिया जिसकी वजह से नो इम्पल्स अपना ट्रैवल करेगी और अगर एक इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल जनरेट हुआ है दैट स्टेबलाइज दैट पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड रजिस्ट द डिपोलराइजेशन स्टमोलाईज ठीक है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने देगी उसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन इसमें क्या होता है दे आर वेरियस मैकेनिज्म फॉर टर्मिनेशन ऑफ दैट ठीक है तो जब एक बारी कम आ, जो हमारा ट्रांसमीटर था वो अपने रिसेप्टर से आ, कंबाइन हो गया तो ट्रांसमीटर या तो लोकली डिग्रेड हो जाएगा या वो दोबारा हमारे प्री जंक्शनल न्यूरोन में चला जाएगा बाय द रे एक्टिव रियाप्टिक ठीक है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास कोलिन था ये कोलिन है यहाँ पे और वीआईपी इसका एक को ट्रांसमीटर हो गया ठीक है तो कोलिन जब रिलीज़ हुआ कोलिन अगर रिलीज़ हुआ है यहाँ पे ये रिलीज हुआ है तो दैट इज़ बिंग डिग्रेटेड या हाइड्रोलाइज बाई एसिटाइलकोलिन एस्ट्रीज ठीक है और जो वी था आ, वो हमारा वैसे डिग्रेड नहीं होता बट इट इज़ गोना डिफ्यूज एंड जो जगह जगह पर पे पेपटाइटिस प्रेजेंट है वो उनसे डिग्रेड होगा ठीक है उसके बाद अगर हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन की पैरासिम्पथैटिक न्यूरॉन की बात थी अभी सिंपैथेटिक न्यूरॉन की बात करें तो उसमें नॉन एडरलिन है ठीक है सो जी नॉन एडर्लिन है ये एक तो इसका एक्टिव रीअपटेक हो गया हो जाएगा बाय द रिसेप्टर्स uh, दैट आर दीज आर स्पेसिफिक मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं एनिटीन दैट इज़ नोर एपीनेफरिन ट्रांसमोट ट्रांसपोर्टर ठीक है उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत इसका डिफ्यूज़न भी होगा तो वो भी पैपटाटेडिस के थ्रू डिग्रेड होगा अगर हम गाबा एनर्जिक न्यूरोन की बात करें तो प्री सैनिटिक न्यूरोन में कौन सा इनिबिट्री अमाइनो हमारा रिसेप्टर uh, होता है ट्रांसमीटर uh, होता है दैट इज गाबा राइट तो गाबा रिलीज हुआ और पोस्ट सैनेटिक uh, उस पर एक्ट किया तो गाबा एक तो ग्लियल सेल्स में चला जाएगा दूसरा डिफ्यूज हो जाएगा तीसरा इसका रिया इसका भी रियापटेक हो जाएगा एक्टिवली अक्तिव, अक्तिव, ओके थ्रो द रिसेप्टर्स और थ्रू मोनो अमाइनो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लाइक हाँ, लाइक गाबा ट्रांसपोर्टर्स ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल